ओके तो तुम यहाँ पे पहले देख लो कि एरर कैसे, क्या कौन सा एरर आ रहा है मुझे। तो सिंपली देखो, मैं जैसे ही अभी गेम स्टार्ट किया, तो गेम मेरा नॉर्मल स्टार्ट हुआ, सब कुछ ठीक है। गेम एग्जिटेड विद कोड -1, एरर आ गया। तो अब इसको सॉल्व कैसे करना है, यही तुम्हारा प्रॉब्लम है और मेरा भी प्रॉब्लम है, क्योंकि मैंने भी ये गेम खेला और मेरे को भी ये सेम प्रॉब्लम है। तो देखो, एक्चुअली तुमको पहले समझना पड़ेगा कि एरर आता क्यों, क्योंकि तुम बार बार वीडियो तो नहीं देखोगे ना, तुमको पहले समझना पड़ेगा कि प्रॉब्लम आ कैसे रहा। तो इसके लिए तुमको क्या करना है, देखो सबसे पहले मैं तुमको बताता हूँ गेम। जैसे अभी मैं सेटिंग में जाता हूँ, यहाँ पर तुम देखो जैसे मेरा गेम सेट है ये 1.17 पे। अगर तुम देखो भाई, ये एरर तब आएगा तुमको जब तुम गलत जावा का वर्जन सेलेक्ट करके और माइनक्राफ्ट का गलत वर्जन करोगे तो तुम्हारा गेम क्रैश कराएगा। अब इसका रीजन तुमको मैं समझाता कैसे, मतलब करके बताता हूँ। देखो अभी मैं जो यहाँ पे खेलने की कोशिश कर रहा हूँ वो मेरा माइनक्राफ्ट 1.16.5 है, और मेरा जो ये सेलेक्टेड है यहाँ पर जो रेंडर सेलेक्टेड है वो है 1.17 से ऊपर वाले वर्जन के लिए। तो ऑब्वियसली बात है गेम क्रैश करेगी ना, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर होली G4S वाले पे सेलेक्ट करना पड़ेगा, एंड देन अगर मैं गेम स्टार्ट करता हूँ तो मेरा गेम सक्सेसफुली चल जाएगा। यही होता है। और दूसरी बात यह है कि जो आपका जावा ट्विक्स होता है वहाँ पर आपको क्या करना रहता है कि यहाँ पर आपको 17 वाला होता है, दो वर्जन अभी है वहाँ। तो यहाँ पर अगर आप 1.17 से ऊपर के वर्जन में खेलते हो, कोई भी 1.19, 20 है, जो भी वर्जन में आप खेलते हो, तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि ये लेटेस्ट वाला मॉडल सेलेक्ट करके रखना है। बट अगर आप पुराने वर्जन खेल रहे हो, 1.8 खेल रहे हो, 1.12 खेल रहे हो, 1.16 खेल रहे हो, यहाँ पर आपको नीचे वाला करना रहता है। तो यही एक डिफरेंस होता है गाइस, और इसीलिए आपको प्रॉब्लम होता है। तो अगर मैं अभी यहाँ पे आपको करके दिखाता हूँ, मैं आपको प्रैक्टिकली करके, मैं बोल के नहीं बता रहा, मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ, तो आप सिंपली देख सकते हो कि मैंने इसको अभी जैसे मैं सेटिंग में जाके इसको सिंपली होली G4S पे सेलेक्ट कर लेता और जावा ट्विक्स को 1.8 वाला कर ले, क्योंकि मेरा एंकर वर्जन 1.16.5 है। और बस इतना ही सा था, और अब मैं गेम स्टार्ट करता हूँ, सक्सेसफुली मेरा गेम रन कर जाता है 1.16.5 में। तो अब ये छोटे से वीडियो आपको कैसी लगी मुझे बताना, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ऐसे जो रिसर्च करने में बहुत टाइम लगता है, इसका सॉल्यूशंस निकालना इतना इजी नहीं होता है, ये आप लोग समझने की कोशिश कीजिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस।